बहुत ही जिसको कह सकते हैं दिल तोड़ने वाली परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी लड़कियों ने। ऐसी क्या वजह होगी कि हम टूर्नामेंट्स में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, अगर पाकिस्तानी मतलब मेंस टीम अगर हारती है वर्ल्ड कप, एटलीस्ट वो उस दिन तो जो आप सुर्दा होती है, लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह से हारी है और रात को वो अपना टाइम आएगा वो रैप कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मतलब कोई अफसोस नहीं है कि यार आपको एक नेशन देख रहा है, आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं, आप हमारा मुल्क हो, आप हमारी टीम हो, लेकिन हम माशाल्लाह से अपना टाइम। बेसिकली अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है वो ऐसी क्रिकेट खेल रही है जैसे कि मतलब कि उन्हें क्वालिफाई ही नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, वो ऐसे नेपाल ये जिम्बाब्वे वाली जैसी टीम वाली क्रिकेट खेल रही है। आपको इन्हें एफर्ट करनी चाहिए, ये बड़ी ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैड लक चल रहा है कुछ इनके साथ, और इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, उनकी बॉलिंग भी बैटिंग भी, उनका हर बंदा परफॉर्म कर रहा है जिस तरह वो मुसलसल सेंचुरीज भी। इंडिया की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लीड कर रही है पॉइंट्स टेबल के अंदर, क्या हो क्या गया? देख लेंगे आप इंडिया की परफॉर्मेंस, देख लें इंडिया की परफॉर्मेंस के अंदर ये होता है कि जैसे जस्ट लाइक मिथाली राज है, स्मृति है, ठीक है, और हरमनप्रीत कौर है, टॉप थ्री बैटर्स, वो टॉप थ्री मतलब जो है ना वो इंडिया के एंड से वो लीड नहीं परसू कर पा रहे कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। शर्मनाक हमें इंडिया से शिकस्त हुई है, इन्होंने 8 ओवरों में सिर्फ 7 स्कोर बनाया, जो कि कोई बच्चा भी होना, डिसेबल्स की टीम भी नहीं है। कर मैं क्रिकेट का स्कोप मैं कहूँगा बच्चा बच्चा जो है ना, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब उनका जो छोटा सा बच्चा है ना 5-6 साल का भी, अगर उसको क्रिकेट का शौक है तो उसका बाप जो है ना उसे हार्ड बॉल खिलाएगा। हमारे यहाँ पे आप ये ग्राउंड में देख ले कम से कम 150 बच्चा खेल रहा है, लेकिन टेबल ये हार्ड बॉल से डर। क्या लग रहा है कौन सी ऐसी 4 टीमें आपको नजर आ रही है जो वुमेंस के वर्ल्ड कप में आगे जाके क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे? मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया मेरे ख्याल से, और साथ न्यूजीलैंड तो है, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो सकती है और वेस्ट इंडीज भी। हाँ वही टॉप 4 टीम्स जस्ट लाइक नंबर 1 इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICC वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और बड़ा ही बुरा जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान का इस वक्त हार है। हम लीड कर रहे हैं लेकिन कहां से कर रहे हैं, नीचे से लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की जो वुमेंस है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में लीड कर रही है और ऊपर टीम में सबसे ऊपर, 3 में से 2 मैचेस जीत चुके हैं पाकिस्तान माशाल्लाह से, 3 में के 3 मैचेस हार चुका है। और अगर देखा जाए ओवरऑल अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर उस टाइम भी हम बड़ा बुरा हारे थे, तो क्या वजह ऐसी रहेगी कि पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान की जो वुमेंस है वो ICC के टूर्नामेंट में जाती है तो इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों देती है? क्या ऐसी वजह होगी, क्या मसला आ गया कि हम जीत नहीं पा रहे? हमने देखा हम 3 मैचेस जीत भी सकते थे लेकिन हमने इतना पुअर परफॉर्म किया, ना हमारी बैटिंग चल रही थी ना हमारी बॉलिंग चल रही थी, जिस वजह से हमने हार का सामना किया और लगभग पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुका है। कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा क्या नहीं करेगा, हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान की जो दौर थी इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बाहर हो गई है। तो ये बड़ा ही जैसे कह सकते हैं ना पाकिस्तान के लिए सैड पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी क्या वजह होगी कि हम टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर हो रहे हैं, हालांकि अभी पाकिस्तान के 3 मैचेस और पड़े हैं लेकिन कोई पता नहीं है कि क्या होगा। तो आए ज़रा लोगों से बात करें, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, टीमें बड़ी जल्दी ऊपर पहुंची और ये क्वालिफाई फेवरेट हो चुकी हैं इस वर्ल्ड कप की। तो लोगों से बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है ICC वर्ल्ड कप का जो चल रहा है वुमेंस का, उसके अंदर पाकिस्तान की इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्या क्यों हो रही है और कौन सी 4 ऐसी टीमें हैं जो क्वालिफाई कर जाएंगी। आज थोड़ा लोगों से बातें करें, उनसे मुझे बताएं कि आपने देखा होगा ICC वुमेंस वर्ल्ड कप की थोड़ी आइडिया है? जी हाँ देख रहे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस, सारे मैचेस हार गए हम। सर एक्चुअली में बात यह है कि पाकिस्तान में जहाँ तक मेरा ख्याल है ना वुमेंस क्रिकेट का इतना स्कोप नहीं है, मतलब जो वुमेंस हैं वो बहुत आप देख लें पिछले 18-20 साल से वही नाम आपको नज़र आ रहे हैं, कोई नया नाम नहीं है, हर 2-3 साल बाद एक नया नाम आ जाता है और वो भी मतलब आके बस अपना शौक पूरा करता है और कुछ भी नहीं, मतलब इतना वो गेम पे फोकस नहीं कर रहे जितना अभी आप देखें वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, अगर पाकिस्तानी मतलब मेंस टीम अगर हारती है वर्ल्ड कप, एटलीस्ट वो उस दिन तो जो आप सुर्दा होती है, लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह से हारी है और रात को वो अपना टाइम आएगा वो रैप कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मतलब कोई अफसोस नहीं है कि यार आपको एक नेशन देख रहा है, आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं, आप हमारा मुल्क हो, आप हमारी टीम हो, लेकिन हम माशाल्लाह से अपना टाइम आगे कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त बात की हमने देखा कि वो एक दर्द नहीं नज़र आ रहा है, वर्ल्ड कप की सिचुएशन है, दूसरी तरफ इंडिया की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लीड कर रही है पॉइंट्स टेबल के अंदर, क्या हो क्या गया? इंडिया में क्रिकेट का स्कोप मैं कहूँगा बच्चा बच्चा जो है ना, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब उनका जो छोटा सा बच्चा है ना 5-6 साल का भी, अगर उसको क्रिकेट का शौक है तो उसका बाप जो है ना उसे हार्ड बॉल खिलाएगा। हमारे यहाँ पे आप ये ग्राउंड में देख ले कम से कम 150 बच्चा खेला, लेकिन टेबल ये हार्ड बॉल से डरते होंगे, हार्ड बॉल के इनके सामने बॉलर लगवाएं ये माशाल्लाह से इनकी टांगे कांपेंगी, ये इस तरह के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जो इंडिया का बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, लड़का है या लड़की,
वो लोग हार्डबॉल खेलते हैं और उनकी मतलब एक पैशन होता है, वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। हमारे माशाला से आते हैं, आप अगर लड़कों का भी एक देख लें, दादा जैसे हैदर अली आए थे PSL 5 में, आई थिंक आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनकी बहुत तारीफ हुई। लेकिन अब PSL 7 में आज देख लें, पाकिस्तान टीम में जब आ गए, इतना बड़ा मुंह और माशाल्लाह कोई फिटनेस का कोई वो नहीं है, ये इस तरह होता है। आप ये भी मुझे बता दीजिए, कौन सी ऐसी 4 टीमें आपको नजर आने जो सेमीफाइनल खेलेंगी ICC वुमेंस वर्ल्ड कप का? सर इंडिया तो ऑब्वियसली है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान 3 हार गई आगे, इन्होंने क्या करना है? इसका वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जा रही है, मतलब 3 लगातार मैचेस हार गए हैं, क्या हो क्या गया टूर्नामेंट में जाके? हमें बेसिकली अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है वो ऐसी क्रिकेट खेल रही है जैसे कि मतलब कि उन्हें क्वालिफाई ही नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, वो ऐसे नेपाल ये जिम्बाब्वे वाली जैसी टीम वाली क्रिकेट खेल रही है। मेरे ख्याल से बेसिकली जो मैनेजमेंट है ना वो हमारी सही नहीं है, जो वुमेंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे वो क्रिकेट लीग्स हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई। हालांकि अभी लीग हुई है क्रिकेट की वुमेंस की, लेकिन फिर भी हम इस तरह के प्लेयर नहीं आगे जा पा रहे वुमेंस में जो हमारे मुल्क को नाम रोशन कर पाए। वही बड़े बड़े पुराने पुराने नाम हैं, निदा डार हो गए और बिस्मा मारूफ हो गई, जो क्या नाम है, बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़े थोड़े छोटे मैचों में कुछ खेल गए तो वही वुमेंस को आगे ही परसू कर रहे हैं, वो अपना क्या नाम है आगे यंगस्टर जो है उनका टैलेंट नहीं वो ढूंढ पा रहा। जिस तरह PSL से हम मेंस में टैलेंट ढूंढ पाते हैं, वुमेंस में ये लैक आ रहा है कि वो टैलेंट नहीं कोई आ रहा, वही जो पुराने लोग खेलते रहते हैं ना वही आगे आ रहे हैं और वही मतलब कि हमारे मैचेस को लूज कराने के जरिया बन। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा हमसाया मुमालिक है, उनकी टीम इस पर लीड कर रही है पॉइंट्स टेबल पे, 2-3 में से 2 मैचेस अपने जीत गए, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्यों नहीं? उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे औरतों को उस तरह के मौके नहीं दिए जाते, वहाँ पे इंडिया में खुली आज़ादी है, इज्जत होती है लड़कियों के लिए वहाँ पे, इसलिए वहाँ की स्ट्रक्चर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी। आपने बात की स्ट्रक्चर अच्छा है, देखा जाए तो अगर टूर्नामेंट चल रहा है तो खेलना तो प्लेइंग 11 नहीं है, आप कोचिस वगैरह तो जाके नहीं खेल सकते, मैनेजमेंट जाके नहीं खेल सकती, मतलब हमने देखा काफ़ी चेंजेस भी हुए पास के अंदर, फिर भी प्लेइंग 11 के ऊपर आप कितना कहते हैं, कितना कसूरवार है प्लेइंग 11 जो ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है? प्लेइंग 11 ऐसा माइंड सेट से खेल रहा है जैसे ये अभी घर की क्रिकेट खेल रहे हो, ये किचन से बाहर नहीं आ रहा इनका माइंड सेट ना, ये मतलब कि अभी घर में ही फंसे हुए, अपने बीवी बच्चों में फंसे हुए, मेरे ख्याल से ये नहीं परसू कर पा रहे कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। शर्मनाक हमें इंडिया से शिकस्त हुई है, इन्होंने 8 ओवरों में सिर्फ 7 स्कोर बनाया, जो कि कोई बच्चा भी होना डिसेबल्स की टीम भी नहीं है कर पाती। आपने सही बात की, आपने इंडिया का नाम लिया, आज इंडिया का मैच था श्रीलंका, श्रीलंका कह रहा हूँ, इंडिया का मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, 317 रन हाईएस्ट रन स्कोर कर दिया उन्होंने वर्ल्ड कप का, 2 सेंचुरियाँ भी मार दी, हमारी सेंचुरियाँ कब आएंगी? हमारी सेंचुरी पता नहीं कब आएगी, उनकी जो कोर है वो कोर जो बैट्समैन है इंडिया की वो बहुत अच्छी, मतलब कि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, हमें मतलब कि टेक्निक वगैरह हमारी कोई नहीं है, हम लोग फजूल की बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हमारी ना सेंचुरियाँ हो रही हैं, ना हमारे फाइफर्स हो रहे हैं, ना हैट्रिक्स हो रही हैं, हम बस फास्ट बॉलर हमारे पास कोई नहीं है, हम सारा स्पिन पे कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्पिनिंग विकेट नहीं होगी वहाँ पे पाकिस्तान की टीम कुछ भी, वैसे तो हो भी तब भी नहीं पाकिस्तान की टीम जीत पाती। चले आप ये मुझे बता दीजिए, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी 4 टीमें हैं जो ICC टूर्नामेंट के अंदर वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें क्वालिफाई करेंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी? मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आपने, आपकी नज़र में कौन सी 4 टीमें हैं? या दिल तो कह रहा है कि पाकिस्तान, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं पाकिस्तान नहीं, लेकिन तो मैं अभी इंडिया के स्पोर्ट में हूँ कि एशिया का कोई तो जीते, पिछले वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है और कोई एशिया की टीम नहीं जीती हुई, कम से कम इंडिया जीते, उसको इतनी एफर्ट किया, इतना आगे आया तो वो जीते लाजमी। और बाकी 3 टीमें आपको कौन सी? वेस्ट इंडीज़ बड़ी अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा कमबैक करती है वो, और इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा लगता है मेंस की खेल, मतलब आपको इन्हें एफर्ट करनी चाहिए, ये बड़ी ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैड लक चल रहा है कुछ इनके साथ, और इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, उनकी बॉलिंग भी बैटिंग भी, उनका हर बंदा परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह वो मुसलसल सेंचुरीज भी कर रहे हैं, तो थोड़ा गौर करना चाहिए। हालांकि मेल जो क्रिकेट चल रही है वो अच्छी चल रही है, बट विमेन वो चीज़ नहीं आ रही। दूसरी तरफ इंडिया के आप कह रहे हैं सेंचुरी से स्कोर कर रहे हैं, सवाल ये है कि मतलब उनकी टीम में हर बंदा कोई डिफरेंट बंदा परफॉर्म कर रहा है हर मैच के अंदर, हमारी टीम में हम किसने उम्मीद लगाएं, मतलब समझ नहीं आ रही, बैटिंग तो बहुत ही गंदी हमारी चल रही है, इतनी बुरी बैटिंग समझ से बाहर है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि इन्हें एफर्ट करनी चाहिए, ये बिल्कुल एफर्टलेस खेल रहे हैं और मतलब इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, अक्सर गलतियाँ बहुत कर रहे हैं ये, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, काफ़ी कम गलतियाँ कर रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं वो, काफ़ी तो डिजर्व करते हैं। ये भी बता दीजिए कि लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट का कसूर है, मैनेजमेंट का आपको लगता है इसके अंदर कसूर? मैनेजमेंट का भी कसूर है क्योंकि उन्हें कोचेज अच्छे रखने चाहिए, कोचेज अच्छे रखेंगे तो उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, जब उन्हें ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं मिलेगी तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरह सवाल आपसे ये है कि मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी 4 टीमें आपको नज़र आ रही हैं जो वुमेंस के वर्ल्ड कप में आगे जाके क्वालिफाई करेंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी? इंडिया,
मेरे ख्याल से, और साथ न्यूजीलैंड तो है, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो सकती है और वेस्टइंडीज़ भी। वेस्टइंडीज़ मतलब हर कोई चार यही टीमों के नाम ले रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आपने। पाकिस्तान की अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो तो आगे साफ सी बताता है, उम्मीद नहीं है उनसे। जब भी 3 के 3 मैच वो अपने हार गए हैं और बिल्कुल परफॉर्मेंस उनकी कोई समझ नहीं आई, तो मुश्किल है। सबसे पहले एक तो ये चीज़ है कि देखें, एक जो मैनेजमेंट लेवल रहा है वो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पॉइलर फॉर अस स्पेशली। अब आप सेकंड चीज़ ये देख लें कि आप इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, इंडिया की परफॉर्मेंस के अंदर ये होता है कि जैसे जस्ट लाइक मिथाली राज हैं, स्मृति हैं, ठीक है, और हरमनप्रीत कौर हैं, top 3 बैटर्स, वो top 3 मतलब जो है ना वो इंडिया के एंड से वो लीड कर रही हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये पाकिस्तान के एंड से ये चीज़ देखी जा रही है कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा फुकदान रहा है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, लाइक सो मेनी अदर प्लेयर्स एज वेल। अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उसके अंदर से देखा जाए, इन्हीं 3 जो क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के जो 3 क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ही जो 100 का एक पार्टनरशिप्स हैं और वो लीड किया फ्रंट एंड से, उन्हीं के सेंचुरीज हैं। सेकंड चीज़ ये इंडिया के एंड से देखा जाए तो उनका जो हाईएस्ट स्कोर है 317 के अराउंड, 317-318, वही अभी तक लीड कर रहा इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देखी जाए। आपने बात की मैनेजमेंट की, मैं ये कहूँगा कि मतलब कि अब तो टूर्नामेंट आ गया ना, मैनेजमेंट जाके तो नहीं ना खेल सकती, खेलना तो प्लेइंग 11 नहीं है। प्लेइंग 11 क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही है? हमने तीनों मैचेस में देखा, तीनों मैचेस में बहुत ही बुरी कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान की टीम ने, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने देखा बाकी टीम्स को भी देखा है। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के अंदर हमने देखा है 3 में से 2 मैचेस जीते, न्यूजीलैंड से हारे, वेस्टइंडीज़ को हराया, कितनी खतरनाक टीम थी, जो 100 पे कोई आउट नहीं था 160 पे उनके ऑल आउट हो गए, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। तो मतलब आपके दिमाग में क्या कैप्टन का लग रहा है कि क्रेडिट जा रहा है कैप्टन को या आपके प्लेयर सब परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा, मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा, देखें ये चीज़ें ना थ्रू आउट द ईयर चीज़ें होती हैं, मतलब अगर टूर्नामेंट तो अभी मतलब अभी रिसेंटली आया ना, लेकिन इस चीज़ की जो अब अगर आपको पता था कि वर्ल्ड कप इस मोमेंट पे आ रहा है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो 1 ईयर अगो स्टार्ट होना होती है, ठीक है। अब जैसे इंडियन देख लेते हैं या साउथ अफ्रीकन साइड देख लेते हैं या कुछ मतलब वेस्टइंडीज साइड देख लेते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ जो एक थ्रिलर गया लास्ट बॉल जो लास्ट डाउन द वायर गई वो चीज़, उन्हीं के हवाले से अगर ये बात की जाए तो डेफिनेटली इस चीज़ की जो प्रिपरेशन होती है ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होती है। ये नहीं होता कि मतलब वर्ल्ड कप से कुछ 4 महीने पहले आपको पता लगा कि वर्ल्ड कप हो रहा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करने लगे, दैट कैन बी द रीजन। सर ये भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें ऐसी हैं जो नॉकआउट खेलने वाली है इस वर्ल्ड कप का, आपके दिमाग में कौन सी ऐसी 4 टीमें वुमेंस की नज़र आ रही है? हाँ, वही टॉप 4 टीम्स हैं, जस्ट लाइक नंबर 1 इंडिया, ठीक है, सेकंड पे साउथ अफ्रीका है, आई थिंक वेस्टइंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, पाकिस्तान का मतलब कोई असरात नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि देखें वो जो स्टार्टिंग मोमेंटम होता है ना, सबसे पहले चीज़ कि हम 3 out of 3 तो लूज़ कर गए हैं, बाकी के जो मैचेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये बात करें तो डेफिनेटली वो एक जो टीम का मोमेंटम जो होता है वो लैग कर जाता थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे भी नेक्स्ट मैचेस में 0% चांसेस नहीं कह सकते, लेकिन एक होप, अरे ऑफ होप ये कह सकते हैं कि जस्ट हमें एक 1 मैच लाजमी जीतना चाहिए था जिसकी वजह से हमारा एक मोमेंटम बिल्डअप हो। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पैसे पाकिस्तान 3 के 3 मैच हार गया तो इस तरह होना तो नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो इस पर लीड कर रहा है पॉइंट्स टेबल के अंदर, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, सेंचुरीज मार रहे हैं उनके प्लेयर्स, हमारे किसी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं मारी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हमारा पीसीबी सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है, ज़्यादा वुमेंस की तरफ तवज्जो नहीं है, जैसे कि इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में देख लें बहुत मतलब कि सपोर्ट कर रहा है उनका बोर्ड ना क्रिकेट को, इधर वुमेंस क्रिकेट टीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, इस वजह से लैग कर रही है परफॉर्मेंसेस। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी 4 टीमें आपको नज़र आ रही है फ्यूचर की जो मतलब सेमीफाइनल खेलेंगी इस वर्ल्ड कप का? मुझे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, न्यूजीलैंड होगी। वैसे बातें सुनी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हर किसी ने अपनी बात छेड़ दी, और आपको ये भी देखा हर किसी ने अपनी 4 टीम्स बताई हैं। अब 4 टीम्स के अंदर जो 2 नाम कॉमन थे वो ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था, लोगों को लगता है कि 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, हर किसी ने यही कहा है कि पाकिस्तान गंदा खेल रही है, पाकिस्तान को चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छी दे, हालांकि कोचिज इन पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस प्लेइंग 11 नहीं दे रही। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई हुई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।